मशहूर कथक डांसर पद्मश्री शोभना नारायण ने लॉकडाउन के दौरान खुद को घर से ही बेहद सक्रिय रखा है। पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई शोभना नारायण अब देश विदेश के सैकड़ों बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन कथक सिखा रही हैं। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा। ये क्लासेस कई कई घंटे चलती हैं और शोभना नारायण इन प्रतिभाओं को डांस की बारीकियों के साथ साथ भारतीय साहित्य, संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी बताती हैं। मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। शोभना नारायण की प्रस्तुतियां खासकर जाने माने कवियों, शायरों और साहित्यकारों की कृतियों पर आधारित होती हैं। क्यों तेज सो रहा है। कोरोना के इस आतंकित करने वाले माहौल में शोभना नारायण गोपाल दास नीरज, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अली सरदार जाफरी जैसी शख्सियतों की रचनाओं पर आधारित अपनी प्रस्तुतियों के जरिए अपना संदेश दे रही हैं। It won't last forever. The rain always stops and gives way to good weather. The brightest and warmest of days still to come. जाने माने कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी ने लॉकडाउन के दौरान खुद को सोशल मीडिया के जरिए सक्रिय रखा है। साथ ही वो लगातार नई कविताएं भी लिख रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। घर बैठे फेसबुक लाइव के जरिए अशोक वाजपेयी ने कला, साहित्य, संस्कृति और देश के तमाम कलाकारों को लेकर अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद भी लंबे समय तक लोग ना तो किसी ऑडिटोरियम में जाना चाहेंगे, ना कोई बड़ा आयोजन हो पाएगा, ना हमारे लोक कलाकारों को लोगों के बीच परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों के मन में बैठे खौफ का सबसे बुरा प्रभाव हमारे कलाकारों पर पड़ सकता है। सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए। जब तक कोई एक निश्चित व्यवस्था विकसित नहीं होती, ये कलाकार अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी तो ज्यादातर जो जीविका है वो या तो प्रशिक्षण से या प्रदर्शन से जो उनको पारिश्रमिक मिलता है उसी के आधार पर होती है। अब अगर उसका कोई उपाय नहीं रहेगा कम से कम कुछ अरसे, तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। छोटे छोटे नगरों में, शहरों में और जगहों पे लोग सिखाते हैं, अब वहाँ सिखाने वाले आ ही नहीं पाएंगे या दूर से सिखाने की कोई विधियाँ बनेंगी या क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसको लेकर भी सोचना चाहिए, क्योंकि शायद एक बड़ा कोष बनाना चाहिए जिसमें बड़े संगीतकार, बड़े नृत्यकार जिनके पास साधन अधिक हैं वो शुरुआत करें और फिर सरकारों से मदद ली जाए, कॉरपोरेट जगत से मदद ली जाए, उनको CSR वगैरह में इसको शामिल करके उनको सुविधा दी जाए। और कैसे ये हो, इसकी प्रक्रिया क्या हो मैं नहीं जानता, उसको तय किया जा सकता है, लेकिन ये करना ज़रूरी होगा। नहीं तो बहुत बड़ी संख्या में शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के कलाकार बहुत ही अपंग हो जाएंगे आर्थिक दृष्टि से काफी समय के लिए। दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने लॉकडाउन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद से अपनी गैलरी को पूरी तरह वर्चुअल टूर के लिए तैयार कर लिया है। NGMA की वेबसाइट के जरिए अब आप पूरी गैलरी घर बैठे घूम सकते हैं, हर पेंटिंग और हर कलाकार के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल NGMA ने जाने माने कलाकारों राजा रवि वर्मा और जामिनी राय के चित्रों की प्रदर्शनी और उनके कामकाज को वर्चुअल गैलरी के जरिए कला प्रेमियों के लिए पेश किया है। NGMA के महानिदेशक और जाने माने कलाकार अद्वैत गणनायक के मुताबिक आने वाले वक्त में गैलरी तमाम नए पुराने कलाकारों के लिए डिजिटल कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी और कला के तमाम सवालों पर वेबिनार भी आयोजित करेगी। पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए राजकमल प्रकाशन तमाम लेखकों की चुनिंदा रचनाओं का संकलन रोजाना उपलब्ध करा रहा है। राजकमल प्रकाशन ने पाठ पुनर्पाठ नाम की श्रृंखला के तहत
तमाम साहित्य प्रेमियों को उनके व्हाट्सएप पर निजी तौर पर और समूह में इसकी पीडीएफ फाइल भेजनी शुरू की है। आप बस फाइल डाउनलोड करें और घर बैठे बैठे साहित्य की दुनिया में खो जाएं। वैसे भी लोगों का ज्यादातर वक्त मोबाइल देखते हुए ही कटता है, तो क्यों ना कुछ बेहतरीन साहित्य ही पढ़ा जाए। कोरोना से जीतने के लिए हौसला बढ़ाने वाले वीडियो बनाने में तमाम कलाकार लगे हैं, फिल्मी से लेकर थिएटर कलाकारों तक। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की टीम ने भी कोरोना को लेकर ऐसा ही एक वीडियो बनाया है। सबने अपने अपने तरीके से देश प्रेम और कोरोना वॉरियर्स के लिए गीत गाए। लॉकडाउन ने देश का सारा कारोबार चौपट कर दिया है। बनारस के तमाम रंग फीके पड़ गए हैं। संगीत की महफिलें, सुर ताल सब रूठ गए। कलाकारों का हाल बेहाल है। भदोही का कालीन उद्योग, बनारसी साड़ी के कारीगर सब बेहाल हैं। जन संदेश टाइम्स के समाचार संपादक विजय विनीत लगातार अपने अखबार में बनारस की संस्कृति और परंपराओं से लेकर कला और कलाकारों की हालत पर बेहतरीन जमीनी रिपोर्ट और फीचर लिख रहे हैं। बनारस की मौजूदा हालत देखनी है तो जन संदेश टाइम्स की सरोकारी पत्रकारिता को जरूर पढ़ना चाहिए। अस्मिता थिएटर ग्रुप लॉकडाउन शुरू होने से पहले से ही लगातार हर रोज क्वारंटीन थिएटर फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। गंदा पानी है, वैस पानी को पी लिया हो गया है क्या? यही पानी हम सबके घरों में आता है और इसी की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। वह तू तो कंजा हो गया एकदम। मेरे तो बहुत बाल है, तू अब आपको नाटक देखने के लिए ऑडिटोरियम जाने की जरूरत नहीं। आप पूरा का पूरा नाटक फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। अस्मिता के संस्थापक और जाने माने रंगकर्मी अरविंद गौड़ बताते हैं कि उनका यह प्रयोग बेहद सफल रहा है और हजारों लोग घर बैठे बैठे इन नाटकों को देख पा रहे हैं।